अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे. आज की वीडियो इज अबाउट हाउ माय वेट लॉस जर्नी. क्योंकि बहुत अरसे से सब लोग मुझे बोल रहे थे कि आप अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में बताएं, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल वीडियो एंड टू टॉक अबाउट माय वेट लॉस जर्नी एंड बॉडी शेमिंग. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. मैं जब से मैंने होश संभाला, आई थिंक मैं जब से मैंने होश संभाला तब से ही मैं मोटी थी. आई कम फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली, 6 बहनें 2 भाई और मैं सेकेंड लास्ट नंबर पे हूँ. बींग अ चाइल्ड आई थिंक आई डिड नॉट गेट दैट मच अटेंशन विच अ चाइल्ड रिक्वायर्स बिकॉज इट वॉज अ बिग फैमिली. सो आई थिंक मैंने अपना कम्फर्ट खाने में ही ढूंढना शुरू कर दिया. मेरी हर चीज मेरा आई यूज टू कंसोल माई सेल्फ विद फूड एंड ओवर द पीरियड मेरा वेट बढ़ता गया, जिसकी वजह से मुझे आई हैव बीन स्कोल्डेड, बीटन, सेड वेरी मीन थिंग्स, बहुत बेइज्जतियां पड़ी, बहुत गालियां पड़ती थी. गैर अपने रिश्तेदार, दर्जी, डेंटिस्ट, डॉक्टर, एवरीबडी यूज टू से वेरी मीन थिंग्स टू मी. एंड आई वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड फैंसी डिनर्स, no weddings because I was not socially accepted because I was fat. And kuch incident aise the ki jo main aaj tak nahi bhuli, but wo mujhe yaad rahe. Baatein to yaad rahi jati hain lekin kuch baatein mujhe aisi lagti hain ki jo mere aaj tak mujhe takleef deti hain. I still remember he was one of my father's very close friend and we went to his house and kafi log baithe hue the wahan pe and he looked at me and he said, oh my god, itni moti. और ही लुक्ड एट माय पेरेंट्स एंड ही सेड, पूरे घर के नौकर निकाल दें और इससे पूरे घर का पोछा लगाया करें. एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग. बड़े दुख हुआ उस वक्त कि अब तब मैंने रियलाइज किया. उस वक्त दुख तो नहीं होता था मुझे यही होता था कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, मैं शायद बीमार ही हूँ. क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता था. ओवर द पीरियड ये बातें होती रही, बचपन में पार्क जाती रही, लोग आवाजें कसते रहे, स्कूल में भी बुली होती रही. उस जमाने में बुली वोली कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. Nobody would care कि किस बच्चे को क्या कहा जा रहा है. इसी तरह ये दास्तान चलती रही और मैं मोटी होती रही. What really changed me over the period is, you know, there's one incident that completely just breaks you down, and that's what happened to me. It wasn't epiphany कि मैं एक दिन उठी और मैंने decide किया कि oh, मैं आज से मैं कम करूंगी. It just one incident that just triggered everything. I was in Dubai as usual. I was in Dubai visiting my older sister and at the mall eating as usual, and I saw a big weighing scale standing outside the store, and I was of course sad and depressed as usual. That was a usual me. And I decided ke let's just, you know, stand on the weighing scale. Aur main weighing scale mein chadh gayi, and I really really thank God to that moment कि मैंने डिसाइड किया कि मैं वेइंग स्केल पे चढ़ जाऊं. और मैं चढ़ी और आई डोंट नो व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग द नंबर बिकॉज आई न्यू आई वाज फैट एंड वेरी फैट. और एक्स वाई जी नंबर केम आउट फ्रॉम द मशीन एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन. एंड देयर वाज दिस मैन इन द स्टोर, ही वाज लुकिंग एट मी एंड आई लुक्ड एट माय वेइंग थिंग एंड आई जस्ट सैट ऑन द बेंच एंड आई जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स. मैं इतना रुई. वो लाके उसने मुझे पानी लाके दिया और मैंने सिर्फ उसे शुक्रिया भी नहीं कहा पानी के लिए, और मैंने सिर्फ ये बोला मैं इतनी मोटी हूँ. एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड यू कैन डू दिस, एंड ही वाज एन अरब गाय. एंड दुकान वाला था बेचारा, अल्लाह उसका भला करे. और बस उस दिन के बाद से आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट लुक बैक, आई विल नॉट बी द सेम ओल्ड आयशा हु आई वॉज. And that day I decided कि मैं अपना वजन कम करूंगी. That just, you know, the last straw that breaks the camel back, that was it. वही था. Over the period of 6 to 8 months, मैंने tremendous amount of weight अपना कम किया, healthy, unhealthy diet के साथ. उस जमाने में जब मैं वेट कम कर रही थी तो size 0 was in fashion and socially acceptable. तो size 0 की बहुत बहुत चर्चा थी, भाई it's the best. But thank God, अब time बदल चुका है. Thanks to all the celebrities जो के voluptuous हैं, they have curvies, तो अब curvy और voluptuous figure का fashion है, तो अच्छा है. I think that's really good for that. लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि आप पतले हो. What I learned from my journey is that लोगों की आदत है कहना,
वो आप मोटे होंगे वो तब भी आपको कहेंगे, वो आप पतले होंगे वो तब भी आपको कहेंगे। जब मैं बहुत मोटी थी तो मैं आई वॉज फैट एंड अगली, अब मैं बहुत पतली हो गई हूँ तो आई एम थिन एंड स्केरी। ये लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट डोंट लुक फॉर पीपल्स एक्सेप्टेंस, डोंट वेट फॉर देम टू टेल यू कि आप मोटे हैं और आप खूबसूरत हैं। आई एम टेलिंग यू दैट यू आर ब्यूटिफुल। यू डोंट वेट फॉर एनी बडी एल्स टू टेल यू दैट यू आर ब्यूटिफुल। नो मैटर वट साइज शेप यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। गॉड क्रिएटेड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ डिफरेंट शेप। डोंट वेट फॉर एनी बडी टू टेल यू। लुक गेट अप, लुक इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टेल से टू योर सेल्फ आई एम ब्यूटिफुल एंड यस यू आर। और दूसरी बात ये, जो लोग मोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो मोटे हैं या पतले हैं मुझ जैसे, प्लीज आप हमें मत बोलें। हमें पता है, मोटे को पता है वो मोटा है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट डे इन देयर लाइफ। आप क्यों किसी को दिल दुखी करते हैं? अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो प्लीज मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले को दुखी भी मत करें। मैं आपको बस यही कहती हूँ, वेट कम करना आपके हाथ में है। कोई आपको पतला नहीं करेगा, आप खुद पतले होंगे। टुडे आई हैव बिकम हूएवर, टुडे आई हैव बिकम द पर्सन आई वांटेड टू बी। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। हाँ मैं बहुत पतली हूँ बट आई एम वेरी हैप्पी। आप भी उतना वजन कम करें जिसमें आप खुश हैं। ठीक है, यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप मेरी वीडियो से आपको कोई फायदा मिले, और अगर मिला है तो प्लीज उस पे अमल करें। लोगों की बातों को छोड़ दें और यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट एंड यू कैन डू दिस एंड आई विल हेल्प यू। लव यू ऑल एंड यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।